नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस नए एपिसोड में, जिसमें हम बातें करेंगे सकेलेंस और उनसे जुड़ी बीमारियां और पेस्ट कंट्रोल के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, सकेलेंस को भी बाकी प्लांट्स की तरह बहुत सारे बीमारियों और पेस्ट का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मिलीबग्स, फंगस, एफिड्स, स्केल्स, रूट रोट्स वगैरह वगैरह। लेकिन आज के मैं इस एपिसोड में मेनली मिलीबग्स के बारे में चर्चा करूंगी, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे पहले से फॉलो किया है उन्हें शायद पता हो कि मैंने ऑलरेडी एक एपिसोड बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में फंगस के बारे में और उसको लेकर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से प्लांट्स को फंगस से बचाया जाता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में चर्चा किया है। और जो लोग उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। तो दोस्तों, ये जो मीली बग्स होते हैं वो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कॉटन बॉल्स की तरह कीड़े होते हैं, जो आपके प्लांट्स में इस तरह से चिपक जाते हैं कि धीरे धीरे करके आपके प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स को वो चूस लेता है और आपका प्लांट्स मर जाता है। तो जब भी आपके प्लांट्स के आसपास कोई चींटियों का आना जाना देखे तो समझ जाइए कि आपके प्लांट्स को ज़रूर ही मिली बग्स का अटैक हो चुका है। और ऐसे में आपके प्लांट्स को थोरोली चेक करें, प्लांट्स के पत्तों के बीच, पत्तों के नीचे और रूट्स के आसपास अच्छी तरह से आप चेक करें तो आपको ज़रूर ही मिली बग्स दिख जाएगा। इन चींटियों का और मिली बग्स का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। ये जो चींटियाँ होती है वो मिली बग्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स तक पहुँचने में मदद करती है और एक तरह से प्रोटेक्शन देती है, और बदले में उन्हें मिलीबग्स प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स शेयर करती है। तो जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि मेरे इस प्लांट की इर्द गिर्द काफ़ी सारी चींटियाँ घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस प्लांट को थोड़ा चेक कर लूं। और जैसे ही चेक किया तो देखिए, यहाँ रूट के सामने पूरी तरह से मिलीबग्स का अटैक हो चुका है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे सकेलेंस के रूट्स में ही हमेशा मिलीबग्स का अटैक हो, कभी कभार सिर्फ ऊपर प्लांट्स के ऊपर ही मिलीबग्स का अटैक होता है और उस वक्त वो इजी रहता है। लेकिन जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इस प्लांट को रूट्स में बहुत ही बुरी तरह से मिलीबग्स ने अटैक कर लिया है, और जब भी मिलीबग्स का अटैक रूट्स में हो तो बेहतर है कि आप प्लांट को निकाल ले, पूरी तरह से उखाड़ ले आप पॉट से, और अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। अदरवाइज़ ये फैलता ही जाएगा और ठीक नहीं होगा और लास्ट में आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा। तो आइए मैं आपको आज दिखाती हूँ कि ऐसे केसेस में मैं अपने प्लांट्स को किस तरह से ट्रीट करती हूँ। तो ये है मेरा सॉल्यूशन जो कि मैंने बनाया है नीम ऑयल और पानी और डिशवाश के मिक्सचर से। तो मैंने इस गमले में इस मिक्सचर को डाला और मिक्सचर में मैंने अपनी इस प्लांट को 10 से 15 मिनट तक डाल के रखा, ताकि जो मिक्सचर है, जो दवाई का असर मिलीबग्स को पूरी तरह से हो। और अब मैं इसे एक पुराने ब्रश से पूरी तरह से मिलीबग्स जहाँ जहाँ इफ़ेक्ट हुआ था उसे मैं धीरे धीरे करके साफ करूँगी। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि मिलीबग्स का अटैक हमेशा रूट्स में ही हो, तो ये एक एग्जांपल है मेरे एक प्लांट का जिस पे मिलीबग्स का अटैक हुआ है, लेकिन रूट्स पे नहीं, बस ऊपर पत्तों पर। तो इस प्लांट को भी मैंने इसी सॉल्यूशन से ट्रीट किया है। लगातार एक हफ्तों तक मैंने इन पत्तों पर एवरी इवनिंग धूप ढलने के बाद इन पत्तों पर मैंने इस मेडिसिन को, इस सॉल्यूशन को इस तरह से छिड़का, और कंटिन्यूसली 1 वीक मैंने देखा कि मिलीबग्स का इफ़ेक्ट कम हुआ कि नहीं। और सिर्फ पत्तों पर ही नहीं, मैंने चारों ओर और इवन सॉइल में भी, जो पॉटिंग मीडिया है उसमें भी मैंने छिड़क दिया, ताकि अगर बाई चांस किसी तरह से मिलीबग्स का इफ़ेक्ट
रूट्स पे जाने का अगर चांसेस हो तो वो कम हो जाए। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस मेडिसिन को इस पोट के चारों ओर स्प्रे किया है ताकि कोई अगर चींटी आने की कोशिश भी करे तो वो ना आ पाए। और आप कह सकते हैं कि ये एक प्रिवेंशन मेजर है ताकि और इसमें मिली बग्स का इफेक्ट ना हो। अब देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा ये जो प्लांट है जो मिली बग्स से बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट हुआ था, इसे मैंने एक हफ्ते तक छाया में रखा और कंटिन्यूसली एवरी इवनिंग इस पर स्प्रे करती रही। अब ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, ठीक लग रहा है। और फिर भी मैं इसे एक बार दोबारा चेक करूँगी कि कहीं कोई मिली बग्स छूटा तो नहीं। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे इस प्लांट का जो ये एक पोर्शन है काफ़ी लेगी लग रहा है और ये एक तरह से प्लांट को कुछ ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर रहा, तो मैं इसके सारे छोटे छोटे जो पत्तों हैं उन्हें मैं तोड़कर प्रोपोगेशन के लिए यूज़ कर लूँगी। और इस तरह से करने से एक तरह से प्लांट को एक हेल्प भी मिलेगा क्योंकि अभी जो ये प्लांट है काफ़ी कुछ सह चुका है, एक तरह से उसे बहुत स्ट्रेस मिल चुका है। तो बेहतर होगा कि ये स्टॉक और ये जो पत्ते हैं वो ना रहे क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्लांट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसे खींचकर उसे उल्टा शायद नुकसान ही पहुंचा सकेगी। तो अगर आपका इस तरह से कुछ हो तो आप इसे तोड़ सकते हैं और ये दिखने में भी कोई खूबसूरत लग नहीं रहा और इससे प्लांट को कुछ ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा, उल्टा उसको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। तो जैसे कि मैंने आप सबको ये बताया कि मेरा जो ये प्लांट है काफ़ी ठीक लग रहा है, तंदुरुस्त लग रहा है, तो अब मैं इसे रिपोर्ट करके आप सबको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एपिसोड। आशा करती हूँ कि मुझे इस एपिसोड को बनाने में जितना मज़ा आया है उससे ज़्यादा आपको देखने में मज़ा आया हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबसे इसी तरह जुड़ी रहूँ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही।